ये 14 प्रो मैक्स, ये फाइनल 27,000 रुपये का। फोन 13 है, इसकी कीमत तो होगा 25,000 रुपये। ये आईफोन 4S है, 2,000 रुपये। मैं आ जाई हूँ एक नई दुनिया में, दुनिया ही है एक, मतलब एक नई दुनिया है जहाँ पे मैं आई हूँ, कराची की सबसे बड़ी चोर मार्केट, जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है, मतलब कबाड़िए की चीज़ें चोर ही कह सकते हैं हम, क्योंकि मतलब बाहर के मुल्कों से आती हैं जो चीज़ें वहाँ पे काम की नहीं रहती हैं, वो फिर यहाँ पे आती हैं और वहाँ पे गोदाम वगैरह हैं, जैसे ये पार बने हुए हैं तो इसके अंदर फिर वो चीज़ें उसमें से निकालते हैं अच्छी अच्छी और ठीक वाली, और फिर वहाँ पे यहाँ पे आके वो अपनी मर्ज़ी की प्राइजेस से बेचते हैं। मैं आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ पूरे का, और फिर एंड पे मैं आपको रिव्यू दूँगी कि आपको यहाँ पे आके लेना है या नहीं लेना। गाइज सबसे पहले हम इस शॉप में विज़िट करते हैं और इनके पास से देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। गाइज हम लोग इन सारी चीज़ों का यहाँ पे ये देखें, ये एप्पल के आईफोन वगैरह हैं, यहाँ पे टैब्स वगैरह हैं, और यहाँ पे पूरी मतलब ये पूरी मार्केट है यहाँ पे, लेकिन हम पहले इस शॉप से प्राइजेस पूछते हैं और फिर आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आईफोन 4S है, 2,000 रुपये फाइनल, 2,000 हो गए। 5S है, ठीक है, इसकी कीमत है 4,500 रुपये। और फाइनल कितनी हो जाएगी? फाइनल वीडियो के लिए ऐसे जो भी बन जाएगा उसको 4,000 का लगा। ओके, और ये 6 है, इसका फाइनल रेट होगा 8,500, ठीक है, और इसका फाइनल 8,500 हो जाएगा। फाइनल बता रहा हूँ ताकि कोई कोई रेट दे रहे हैं लेकिन उसी रेट में मिलता नहीं, अक्सर लोग इधर शिकायत करते हैं वीडियो जो लोग बना रहे हैं, इसका रेट यही होगा 8,500 आईफोन 6 का। और ये आईफोन 6S है, ये 12,000 रुपये का पड़ेगा। 12,000 का इसके फाइनल, मतलब 12 बता रहे हैं आप, ठीक है, फाइनल 12। और इसके अलावा ये हुआवे का, ओके, 128 GB है, इसकी कीमत होगी 18,000 रुपये। 18,000 रुपये हुआवे। इसके अलावा आईफोन 7 है, आईफोन 7 बाईपास नहीं है, ठीक है, इसकी कितनी होगी? आईफोन 7 की कीमत होगी इसका फाइनल 18,000, बाईपास नहीं होगा। ओके, 18,000 रुपये। ओप्पो, ओप्पो 57 का 10,000 रुपये का होगा। और ये 5C, ये 5C है, इसकी कीमत होगी फाइनल 3800 रुपये, 3,800। अच्छा, 3,800 फाइनल ये मिलेगा। और ये 7 प्लस है, 7 प्लस बाईपास नहीं है, फाइनल कीमत होगा इसका 25,000। ये मेट्रोला है 5G, मेट्रोला 5G, इसकी क्या प्राइस होगी? जीप रो, इसका फाइनल होगा 15,000 रुपये, इसका कीमत होगा फाइनल 15,000 रुपये। ओके, ठीक है। 6 प्लस बाईपास नहीं है, 16,000 रुपये का होगा। 16,000 रुपये का, ठीक है। इसके अलावा ये आईफोन 13 है, ये 13 है, ये इसकी कीमत तो होगा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का। और ये ओरिजिनल है? नहीं, ये तुर्किश होती है। तुर्किश, ठीक है, मतलब कॉपी होती है, कॉपी है, ठीक है, बनाया हुआ है सब, जो कॉपी है। ये 14 प्रो मैक्स, ये 14 प्रो मैक्स है, और इसकी क्या प्राइस है? ये फाइनल 27,000 रुपये का, और पीटी अप्रूव्ड है, पीटी अप्रूव्ड है, ठीक है, 27,000 रुपये का। और अगर 7 प्लस में पीटी अप्रूव चाहिए 35,000 रुपये का पड़ेगा, ठीक है, 7 प्लस पीटी अप्रूव 35,000। इसके अलावा एप्पल लैपटॉप है, ये 15,000 रुपये का है, इसको मैं आप बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, ये इसका है एप्पल मैकबुक जो कि 15,000 रुपये की है। MI मोबाइल है, ये 17,500 रुपये का पड़ेगा, 4/64। ओके, 17,500 रुपये का फाइनल, इसकी 17,500 रुपये होगी, टी अप्रूव होगा। ओके, इसके अलावा टेबलेट है मेरे पास, ये Air 1, ये फाइनल व्यूअर्स के लिए 14,000 रुपये का होगा, ये 14,000 रुपये का, ठीक है। Air 2 32 GB, 32 GB ये Air 2 है, और इसकी क्या है फाइनल? ये व्यूअर्स के लिए 26,000 रुपये, 26,000 रुपये का, 26,000 रुपये का है, 32 GB है। और ये F11 ओप्पो है, ठीक है, F11 ओप्पो 30,000 रुपये का पड़ेगा, 30,000 रुपये इसकी प्राइस है फाइनल, 30,000। 20,000 रुपये का पिक्सल 3, ओके, देखिए कोई भी आएगा तो उसको 19 का पड़ेगा, ओके, 19,000 रुपये का पड़ेगा आपको। और ये कामी के बकौल बहुत ही अच्छा मोबाइल है क्योंकि वो भी यही यूज कर रहे हैं। 4/64 है, 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये का, अगर कोई भी आएगा 1,000 रुपये डिस्काउंट होगा हर चीज, इसलिए आप भैया की शॉप पे ज़रूर विज़िट करें और यहाँ से आप लोग लीजिएगा, आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे हर चीज़ पे जो भी आप लेंगे। और ये 5S है, 5S
क्या प्राइस है इसकी? ये 4.5 का हो जाएगा, 5,000 से कम दिया नहीं है, 4,500 का। ठीक है, इसकी मध्य बाईपास नहीं है। ओके, बॉक्स पैक ठीक है, मार्केट रेट है 35,000 का, 12,000 का वीडियो के लिए ऐसे जो भी आएगा, एक साल वारंटी में। ओके, एक साल वारंटी दे रहे हैं इसकी, 11 रेट में। और आप ये बाकी जो आईपैड वगैरह एप्पल के, इनकी वारंटी कितनी दे रहे हैं? चेकिंग वारंटी होगी 2-3 दिन, या तो कोई भी नहीं है लेकिन चेकिंग वारंटी 2-3 दिन दे रहे हैं। ठीक है, और साथ में आप अपना नंबर वगैरह भी दे देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चेंज करवा सकते हैं। 0333-125-30190 ये मेरा नंबर है। अपना नाम भी बता दें। अब्दुल्ला नाम है मेरा। ठीक है, जर्नल गोदाम, शेरशाह जर्नल गोदाम। मैं यहाँ बाहर से आपके गोदाम की वो भी दिखा दूंगी कि जिसको आना होगा तो यहाँ पे अंदर शेरशाह जर्नल गोदाम किसी से भी पूछ लेगा, कंप्यूटर वाले करते हैं। जिशान अंदर जर्नल गोदाम के अंदर जिशान गोदाम है, ये 9 कंपनी का है। ओके, इसकी कीमत है व्यूवर्स के लिए 2500 रुपए, ये 2500 रुपए की। ठीक है, जो आपकी वीडियो देख के आए, जो आपकी वीडियो देख के आया। ठीक है, इसके अलावा ये एचपी का लैपटॉप है, ये एचपी का लैपटॉप है। और इसकी क्या प्राइस है? ये वीडियो देख के अगर कोई भी बंदा आ जाएगा उसके लिए 11,000 रुपये, 11,000 रुपये जो मेरी वीडियो देख के आएगा इसकी 11,000 रुपये का मिलेगा। देख के जो भी आए ये 11,000। सैमसंग नेक्सिस टैबलेट, और इसकी क्या प्राइस है? 5,500 रुपये का, 5,500 रुपये का। सैमसंग नेक्सिस सोनी का है, ये 7,000 रुपये का है। और इसके फाइनल आप 7,000 रुपये लगा रहे हैं? फाइनल वैसे 8,000 से कम देता नहीं है। ठीक है, और 7,000 आएगा उसके लिए 7,000 रुपये। ओके, यहाँ पे ये कैमरास भी हम इनके रेट भी चेक कर लेते हैं कि इनका क्या क्या प्राइसेस हैं। ये 8,000, ये 8,000 का है, ये 12,000, ये 12,000 रुपए का है, ये 2,000 वाले, ये 8,000। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर वीडियो की क्वालिटी क्या है। इसको भी चेक करें, इसको भी चेक ट्राई कर लेते हैं, इसका जूम अच्छा है काफ़ी, उसके अंदर मेमोरी भी काफ़ी है। एयरबड्स भी हैं, एयरबड्स की क्या प्राइसेस हैं? ये 2,000, ये 2500, ये 2500 रुपये का, ये है, इस पे चल के तो मैं हवा में उड़ जाऊंगी। सो गाइस, मैंने ये लिया है वहाँ से ही, जिस मार्केट की मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई है, और ये मैंने HP का लैपटॉप वहाँ से लिया है जो कि 10,000 रुपये में लिया है, और SSD है, और इसकी 4GB रैम है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा मैंने एक टैब भी लिया है जो कि मैंने अभी डेमो के लिए भेजा हुआ है देखने के लिए। तो गाइस, आप लोग इस मार्केट को ज़रूर विज़िट करें, लेकिन जब भी आप इस मार्केट को विज़िट करें तो आप अपने साथ एक एक्सपर्ट को लेकर जाएं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब भी निकल सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं, चलें तो चांद तक, ना चलें तो रात तक, ये वाला सीन इनके साथ हो सकता है। तो जब भी आप वहाँ पे जाएं, स्पेशली जब आप मेरी वीडियो देख कर जाएं, तो मुझे आके ये मत कहिएगा कि ये चीज़ ख़राब हो गई, आपने गलत बताया था सारी चीज़ें। इसलिए मैं पहले से आपको वार्न कर रही हूँ कि जब भी जाएं तो एक्सपर्ट को ज़रूर लेकर जाएं, जिसको सारी चीज़ों का पता हो क्या 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 देख के हम कोई भी आइटम लेते हैं। सो गाइस, मेरी वीडियो थी यहाँ तक ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस मार्केट को विजिट किया तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये मार्केट कैसे लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े गोदाम और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर थी, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। तो सो गाइस, आप लोग भी विजिट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने व्यूज़। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।